हेलो दोस्तों, ये 430 लेक्सिस का ECU है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो मेन कंपोनेंट है इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, इंजेक्टर के को किधर से सप्लाई मिलता है, इग्निशियम कॉइल को किधर से सप्लाई मिलता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं ये ट्रांजिस्टर। तो अगर आप इसको चेक करके चेंज करेंगे पार्ट्स को तो कंप्यूटर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये जो 8 मॉस्फेट नज़र आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये इंजेक्टर ट्रांजिस्टर है। जब कोई किसी इंजेक्टर में करंट नहीं आता, बस पर मिसाल के तौर पर, या ग्राउंड उसको डायरेक्ट मिलता है, ऑन ऑफ करंट नहीं मिल रहा है किसी इंजेक्टर को, या पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्टर का अंदर जा रहा हो, तो आप ये इंजेक्टर को चेक करना चाहिए। ये 8 इंजेक्टर है, इसको चेक करना चाहिए। उसके बाद ये 2 IC चिप लगा है, ये मेन चिप के ऊपर, ये और ये जो ट्रांसमिशन, कोई कोई लेक्सिस का जो ट्रांसमिशन चेंज नहीं होता और कंप्यूटर में कोड आता है सोलोनाइट 2, सोलोनाइट 2-1, तो ये 2 चिप जो है ये ट्रांसमिशन कंट्रोल सोलोनाइट है जो ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, ये 2 चीज। तीसरी नंबर पे अगर आपने ECU चेंज किया लेक्सिस का तो प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये मेन चिप और ये मेन चिप, इसके पीछे जो चिप है ये, इसको IC900 इसके साथ लेकर है, IC900 इसको रिमूव करो, वो जो ओल्ड वन है उसका भी रिमूव करो, वो इसमें फिक्स करो। फॉर एग्जांपल ये पुराना कंप्यूटर है, हमारे पास दूसरा नया है, हम इसका ये चिप सिर्फ रिमूव करके उसमें फिक्स करेगा तो करेंगे तो हम लोगों को प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरे इधर जो मॉस्फेट लगे हैं 4, 1, 2, 3, 4, ये थ्रोटल कंट्रोल के हैं, कोई कोई गाड़ी का रेस नहीं आता है और कंप्यूटर में थ्रोटल का फॉल्ट बताता है, लोग उसको थ्रोटल को चेंज करके फिर भी वही फॉल्ट आता है, तो इनमें से कोई भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, ये 4 ट्रांजिस्टर में से कोई भी शॉर्ट हो सकता है। ये मेजर जो प्रॉब्लम आता है गाड़ी में, मैंने उसको उसका सिर्फ बता रहा हूँ। दूसरा इग्निशन कॉइल का, अभी इग्निशन कॉइल का बताएंगे। ये इधर एक ये देखो 101, कंप्यूटर का अंदर 101 ट्रांजिस्टर रेजिस्टर 101 किधर भी लगे हैं, ऐसा एक जगह में, 1, 2, 3, 4, 4 इधर 4 इस साइड में है, ये इग्निशन कॉइल के हैं। इग्निशन कॉइल से जो सिग्नल का वायर है डायरेक्ट इसमें आता है, फिर इससे ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर में, ये ट्रांजिस्टर उसको 1, 2, 3, 4, ये 4 ट्रांजिस्टर है, 4 ट्रांजिस्टर, ये टोटल 8 सिलेंडर गाड़ी है, 4 ट्रांजिस्टर दूसरे साइड में है, ये कंप्यूटर के अपोजिट साइड में, ये 4 इधर है। तो अगर कोई इग्निशियम का गाड़ी का इग्निशियम कॉइल काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले ये रेजिस्टर जो है इसका कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए, उसके बाद ये इसमें से कोई भी मॉस्फेट डैमेज होने के कारण ये हो सकता है।
थैंक यू दोस्तों, ये मालूमात मैंने जो आपकी दी है, एक छोटा पार्ट्स होता है और अगर चेंज करे तो 1000 2000 3000 रुपए से बच सकते हैं आदमी।